नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कॉमर्स कॉलेज के बाहर छात्रों ने जमकर मचाया उत्पात, मुखिया ही बने गुंडे, खाकी ने डाला सीख छू के पीछे। वल्लभनगर कांग्रेस में मामा भांजे की तकरार फिर आई सामने, कुबेर सिंह बने स्वघोषित विधायक, गजेंद्र सिंह बोले सपने देखना बुरी बात नहीं। मांगीलाल जोशी ने उदयपुर से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, मावली से कुलदीप सिंह का कर सकते हैं समर्थन। और 6 दिवसीय पंचकल्याणक महोत्सव की तैयारियां पूरी, फतह स्कूल प्रांगण बनेगा अयोध्या नगरी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं छात्रों की नहीं गुंडों की। शहर के कॉमर्स कॉलेज के दर्जनों छात्र सोमवार को गुंडाई पर उतर आए और उन्होंने जो कुछ किया वह आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। पढ़े लिखे इन गुंडों ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और 1 घंटे तक खूब उत्पात मचाया। इनकी हरकत के बाद तो इन्हें छात्र नेता कहने की जरूरत भी हमें महसूस नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह बेकसूर शहरवासियों के वाहनों को इन्होंने क्षति पहुंचाई और शहर में काफी देर तक खौफ का माहौल पैदा किया वह गुंडागर्दी से कम नहीं था। आपको बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष हिमांशु पवार और आने वाले वर्ष में अध्यक्ष का सपना देखने वाले हिमांशु बागड़ी के नेतृत्व में इस गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया। कॉलेज परिसर के बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच इन गुंडों ने तोड़े ही नहीं, बल्कि उन्हें वहां से उठाकर सड़क के बीच ले आए और हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलते ही भोपालपुरा पुलिस का जाप्ता भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन इन गुंडे छात्रों की भीड़ के आगे नाकाफी सा लगा काफी देर तक उत्पात मचाने के बाद। दबंग सीआई चांदमल सिंगारिया मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखते ही छात्रों की भीड़ तितर बितर होने लगी। इस बीच सिंगारिया ने दोनों ही छात्र गुंडों को बलपूर्वक पकड़कर जीप में बिठाया और थाने ले गए। हालांकि उन्हें छुड़ाने के लिए कई समर्थक थाने पहुंच गए, लेकिन इन गुंडों ने जो किया वह छोड़ने लायक नहीं था। हालांकि पुलिस ने राजकार्य में बाधा, तोड़फोड़ और उत्पात मचाने का केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सवेरे ये कुमार भट्टा पे स्लिप लेन पे कुछ गाड़ियां पार्किंग खड़ी थी, उस बात को लेकर कॉमर्स कॉलेज के वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु पवार और हिमांशु बागड़ी और 20-25 अन्य लड़कों ने रास्ता जाम किया है और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। उन दो जनों को हिरासत में लिया गया है, के खिलाफ जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से निपटा जाएगा। उनका कहना है गाड़ियां स्लिप लेन में खड़ी है, इस बात को लेकर उन्होंने उत्पात मचाया, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में भले ही 1.5 साल बचा हो, लेकिन मेवाड़ में चुनाव लड़ने वाले हर उस शख्स ने तैयारी शुरू कर दी है जिसे लगता है कि पार्टी से टिकट मांगने से मुखिया तक उसका नाम मजबूती के साथ पेश करना जरूरी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से नेता कहलाने वाले ये लोग अपनी अपनी दुकानों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसके लिए अलग से पूरी टीम काम कर रही है जो इन नेताओं की हर गतिविधि को कैद करके सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने में लगी हुई है। चलिए आज बात करते हैं उसी विधानसभा क्षेत्र की जहां की चुनावी बिसात 5 साल में कई बार बदलती रही है और यहां की जनता भी संशय में रहती है कि इस बार राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर गत चुनावों में कांग्रेस और जनता सेना के बीच ही टक्कर दिखाई दी थी। भारतीय जनता पार्टी तो यहां पर तीसरे नंबर पर रही थी, ऐसे ही हाल इस बार भी देखा जा रहा है, लेकिन यहां पर कांग्रेस में मामा भांजे की बीच गजब की खींचतान देखी जा रही है। आपको बता दें कि भिंडर पंचायत समिति प्रधान यशोधरा कुबेर चावड़ा को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया गया था। इसके बाद प्रधानपति कुबेर सिंह चावड़ा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और उनके मामा गजेंद्र सिंह शक्तावत पर खुलकर उन्हें हराने का आरोप लगाया था, लेकिन उपचुनाव में जब उन्हें लगा कि फिर से यशोधरा कुबेर चावड़ा को मौका मिल सकता है तो यह भांजा मामा की गोद में जा बैठा और मामोसा की तारीफें करते हुए उन्हें अपना आदर्श और नेता भी बता दिया। लेकिन जब उपचुनाव में जनता सेना के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी की हार गई तो मामा जी फिर विरोधी बन गए। उसी दिन से किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा क्षेत्र में प्रचार प्रसार को निकल पड़े और दिन रात इसी प्रयास में जुटे हुए हैं कि वह चुनाव लड़कर विधायक बने। ऐसे में फेसबुक पर बनी एक आईडी भी काफी चर्चा में है जिसमें उन्होंने खुद को स्वघोषित विधायक बता दिया है। हालांकि इस मसले पर जब उदयपुर न्यूज ने कुबेर सिंह चावड़ा से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यह आईडी उन्होंने नहीं बनाई है और उनके किसी प्रशंसक ने बना दी होगी जिसके बारे में वह कुछ नहीं कह सकते। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि वह हर हाल में चुनाव लड़कर रहेंगे, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि गजेंद्र सिंह शक्तावत को वह अपना नेता बताते हैं, इस पर तपाक से उन्होंने सवाल काटते हुए जवाब दिया कि गजेंद्र सिंह जी स्वार्थी नेता हैं और हर बार शर्तों पर काम करवाया है। सर, आपने FBI ID पे एक विधायक कुबेर सिंह घोषित कर दिया है आपने, वैसे तो
नहीं, मेरे को पता नहीं है, मेरी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसने वो आईडी बनाई मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं, किसने बनाई इस बारे में मुझे कोई पता नहीं उसका। अच्छा, पता नहीं है सर? यू नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। और विधायक 2018 कल मेरे पास फोन भी आए थे एक दिन, विधायक 2018 किसने बनाई है मुझे अभी तक पता नहीं चल पा रहा मेरे को। जी जी जी, बाकी उसका कोई मेरा फैन होगा किसने बेचारा उसको लगा होगा जिसने बना दी होगी। हाँ वो इतने बाकी चल रहा है सर, इस वजह से बाकी इधर गजेंद्र सिंह जी को भी अपना नेता बताते हो आप तो फिर यूँ। गजेंद्र सिंह जी को नेता बताते कि गजेंद्र सिंह जी शर्त पे काम कर रहे थे ना इसलिए। जी 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 बिल्कुल, उनको नेता बनने का इसलिए, नेता तो खैर नेता ही है पर हमारा खैर नेता हमेशा नेता तो कौन कोई नेता रहता ही है, पर जीवन में अगर आगे बढ़ना है हमेशा। सर चुनाव लड़ने की मंशा है इस बार आपकी? पूरी मंशा है, पूरी मंशा है, और बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लगे चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई डरा वाली बात नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आऊंगा और कांग्रेस पार्टी में अपना पूरा भरोसा भी है। सर एक छोटी सी बात, और पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर क्या करेंगे सर आप? बिल्कुल, पार्टी का टिकट नहीं देगी तो पार्टी के साथ रहूंगा और पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको साथ लेके जिताने का प्रयास करूंगा। तो सुना आपने, किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा फिर से अपने मामा की बगावत करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर यशोधरा कुबेर सिंह चावड़ा उपचुनाव में जीत जाती तो बगावत नहीं होती। खैर, कुबेर सिंह चावड़ा खुलकर बगावत शुरू करते हुए स्वघोषित विधायक भी बन बैठे हैं। ऐसे में जब उदयपुर न्यूज ने पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत से बात की तो उन्होंने फेसबुक आईडी वाली बात पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि ख्वाब देखने का हक सबको है, उस पर कोई रोक नहीं। सुनिए कुबेर सिंह चावड़ा के मामा गजेंद्र सिंह शक्तावत ने क्या कुछ कहा। सर अभी विधायक कुबेर सिंह जी ने एक अपने एफबी पे विधायक घोषित कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो चुनाव है कुछ, लेकिन आपको वो अपना नेता बताते हैं ना सर? अभी तो वही स्पष्टीकरण, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, उनके मन में क्या है वो बनना चाहते भाव है, अच्छा तो सबको ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन एफबी पे अभी आज एक नई पोस्ट बनी है, विधायक कुबेर सिंह जी, विधायक कुबेर सिंह लिखा हुआ आ रहा है सर। मैं खुद नहीं डाली हूँ। बिल्कुल सर, एक फेसबुक पे बनाई है ना सर? मैंने देखा नहीं यार भाई, मैं क्या नहीं सकता कुछ, मैंने देखा है और स्पष्टीकरण भी वही दे सकते हैं, और कोई मन में पाले इसमें क्या होगा नुकसान, पालना चाहिए, ख्वाब देखना चाहिए हर आदमी को, अच्छा काम करना चाहिए पार्टी मजबूत करे। जी सर, ख्वाब देखना कोई मना है किसी को क्या? नहीं नहीं, ख्वाब देखना कोई मना नहीं है, लेकिन वो अपना नेता बताते हैं आपको, ये इसका जवाब तो वो दे सकते हैं, अपना नेता मानते हैं और फिर क्या? पर लेकिन खुद को विधायक घोषित कर दिया है एफबी पे, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं सर। मेरी कोई जानकारी में नहीं है, न मैंने पोस्ट देखी है, बाकी शहर में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध मांगीलाल जोशी इन दिनों अपने तीखे और बगावती तेवरों से भी प्रसिद्धि पा रहे हैं। हालांकि पहले भी कई बार गुरुजी उग्र और आवेशित हुए हैं, लेकिन किसी न किसी शागिर्द ने उन्हें मना ही लिया और वे फिर से उसी झोली में जा बैठे जिसकी बगावत के लिए वह उतरे थे। गुरुजी के चाहने वालों की माने तो इस बार वह अटल और अडिग हैं, और इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष ही स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जागृति मंच का निर्माण कर पिछले 1.5 साल से विरोध का बिगुल बचा रखा है। वह अपने राजनीति विरोधी गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ करने में कभी नहीं चूकते नजर आ रहे हैं। नगर निगम हो या नगर विकास विन्यास, दोनों में भले ही भाजपा का ही राज हो, लेकिन गुरुजी इसमें भी खामियां निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर कटारिया के पसंद के लोग राज कर रहे हैं। वैसे मांगीलाल जी ने इस बार मानस बना लिया है कि वे उदयपुर से चुनाव लड़ेंगे और 4 बार से विधायक रह चुके गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ पार्टी से टिकट मांगकर रहेंगे। आपको बता दें कि उदयपुर शहर को छोड़कर एकमात्र जनरल मावली सीट पर बीजेपी के कई दिग्गजों ने अपनी ताल ठोक दी है। वहीं मुख्य 5 दावेदारों में से एक माने जाने वाले मांगीलाल जोशी ने खुलकर मावली से कुलदीप सिंह साकरिया खेड़ी का समर्थन करने का दावा करके साफ कर दिया कि अगर पार्टी धर्मनारायण जोशी को टिकट देती है तो वह खुलकर बगावत करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व कटारिया और धर्मनारायण जोशी के बीच करार की बात चर्चा में आने के बाद माना जा रहा था कि इस बार धर्मनारायण जोशी को अगर मावली से टिकट मिलता है
है तो उसमें भाई साहब की भी सहमति होगी। यही बात मांगेलाल जोशी को खटक गई और उन्होंने मावली में आयोजित एक समारोह में सार्वजनिक रूप से कुलदीप सिंह साकरिया खेड़ी का समर्थन करते हुए धर्म नारायण जोशी के लिए भी उलझने पैदा कर दी है। हालांकि मांगेलाल जोशी ने यह भी कहा कि अगर मौका मिला तो वह उदयपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसमें भी यह साफ हो गया कि स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जागृति मंच के समन्वयक इस बार कटारिया के सामने टिकट मांगकर प्रदेश भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ा देंगे। सवाल आपने कहा कि चुनाव लड़ने की दृष्टि से कार्यक्रम है क्या, तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं मावली विधानसभा से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं और दावेदार रखूंगा भी तो उदयपुर शहर विधानसभा से रखूंगा। मावली में कौन लड़ता है नहीं लड़ता है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार कुलदीप सिंह इस नाते तैयारी कर रहा है और भी नाम चर्चा में है पर मैं कहीं पर भी दावेदार नहीं हूँ। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी को वर्षों बीत गए लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नील कंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नील कंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में और झोली भर के ले जाना। मन में फुल जड़ियां छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट यू बेबी सेंटर उदयपुर। रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ मदरहुड। थैंक यू नीलकंठ। विंटर स्पेशल ऑफर, वेलकम टू द तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। Enjoy nice, tasty and healthy food and get 10% discount above Rs. 500 and 20% discount Rs. 1000. Offer for limited time. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, एड्रेस हिरन मगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 0294-2460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपए डाउन पेमेंट और 3100 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपए डाउन पेमेंट और 3600 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपए डाउन पेमेंट और 4700 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं, पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 7340034134-8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा।
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी, भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के फतह स्कूल मैदान में आगामी 2 दिसंबर से 6 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से करीब 10,000 श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। शाश्वत धाम पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष अजीत जैन और मंत्री डॉ जीनेन्द्र शास्त्री ने उदयपुर न्यूज को खास बातचीत में बताया कि इस समारोह को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे पांडाल को अयोध्या नगरी की तरह सजाया गया है। वहीं बाहर से आने वाले करीब 5,000 श्रद्धालुओं के ठहरने के भी सारे इंतजामात हो गए हैं। पंच कल्याणक महोत्सव समिति के तहत प्रदर्शनी भी लगाई गई है। 6 दिनों तक शाश्वत धाम में मुनि कांजी स्वामी द्वारा प्रवचन दिए जाएंगे जो रोजाना शाम को आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि शाश्वत धाम की ओर से देश भर में जो बच्चियां शिक्षा और कला में अव्वल रही हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। दिनांक 2 से 7 दिसंबर तक जो भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है उसकी ये तैयारियां आप सब देख रहे हैं। 2 से 7 दिसंबर तक श्री आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। हमारे सभी जैन साधर्मी भाई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का महत्व जानते हैं, लेकिन उदयपुर में फैले हुए उदयपुर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, भले वो जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा पवित्र और धार्मिक उत्सव उदयपुर शहर में होने जा रहा है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मतलब जब किसी भी मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं तो उनके हमारे जो तीर्थंकर होते हैं उनके 5 कल्याणक उनके आयुष्य काल में होते हैं। जन्म गर्भ कल्याणक से लेके जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। आप ये जो विशाल पंडाल देख रहे हैं वो 135 फुट बाय 330 फुट का विशाल पंडाल हम बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण एकमात्र है कि उदयपुर में 2 से 7 दिसंबर का आपने सैलानी तो काफ़ी देखे होंगे, पर्यटक भी काफ़ी देखे होंगे, लेकिन एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की विचारधारा से जुड़ने वाले, उनको उन्होंने जो तत्वज्ञान हमें दिया है उसे मानने वाले, उसका अनुसरण करने वाले, ऐसे हमारे भारत के ही नहीं भारत के बाहर से भी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और नैरोबी, ऐसे देशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस विशाल पंडाल में हमारे प्रमुख जो प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होते हैं वो होंगे।
चूँकि हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अयोध्या नगरी में बसते थे और उस अयोध्या नगरी का ही ये प्रतिकृति हम बना रहे हैं। तो 2 से 7 दिसंबर तक यह कार्यक्रम आपके उदयपुर शहर में हो रहा है। आप सभी का सहयोग हमारे यहाँ के जितने भी ट्रस्टी है, आदरणीय कन्हैयालाल जी दलावत, नरेंद्र जी दलावत, ललित जी किकावत, डॉक्टर महावीर प्रसाद जी, डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री, जो आपके उदयपुर का बच्चा बच्चा जिन्हें जानता है, ऐसे उदय जी, जिनेंद्र जी, अंकित जी किकावत और भावेश जी कालिका, ये हमारे यहाँ के स्थानीय ट्रस्टी है। इसके सिवा देश भर से हमारे इस ट्रस्ट मंडल में लोग जुड़े हुए हैं, उनमें श्री आएस जैन मुंबई, श्री ब्रिजलाल जैन मुंबई, श्री महिपाल जी गायक बांसवाड़ा आदि सब लोग शामिल हैं, जो समय समय पर यहाँ विजिट करके हमको मार्गदर्शन करते हैं, हमको सहयोग करते हैं। तो यह जो शाश्वत धाम संस्था है, यह आपकी अपनी संस्था है और आपकी अपनी संस्था का एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अयोध्या नगरी में स्वागत है। त्रिलोकीनाथ भगवान का ये जो महामहोत्सव हो रहा है, उसमें आप सबका स्वागत। 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक उदयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय पंचगण का आयोजन होने जा रहा है, जो आपके सामने करीब करीब बन के तैयार होने वाला है और करीब करीब 1 तारीख तक ये पूरा हो जाएगा। 10,000 की संख्या का ये पांडाल, जिसमें कई राज्यों से, इवन भारत के अलावा कई विदेशी राष्ट्र से भी लोग यहाँ भाग लेने आ रहे हैं। इसमें मुख्य प्रवचनकार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तार्किक विद्वान डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी, और जिनके निर्देशन में ये पंचगणक होना है, ऐसे ब्रह्मचारी जतिचंद जी शास्त्री आदि करीब 150 से अधिक विद्वान, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त है, वे यहाँ भाग लेंगे। और पूरे देश में से जो ऐसी बच्चियाँ जो सेलेक्टेड है, बहुत होशियार है, उनको हम निःशुल्क जो अध्ययन करा रहे हैं, उन बच्चियों के निमित्त ये आयोजन किया जा रहा है। और 10,000 लोगों के बैठने के पांडाल के साथ हमारी यहाँ पे 450 कार्यकर्ताओं की टीम जो है वो लग रही है, शाश्वत धाम और ट्रस्टियों की टीम लग रही है। सभी अपने अपने विभाग को देख रहे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे पंडाल देख सकते हैं, आप मेरे उधर देख सकते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इधर मेरे ये माता पिता जो भगवान के बनते हैं, ऐसे ललित जी किकावत मेरे साथ में हैं, मेरे साथी हैं। आवास व्यवस्था के लिए आपको मैं बता दूं कि आवास व्यवस्था के नाते हमने 5,500 लोगों की अभी तक हमने रहने की व्यवस्था होटलों में और धर्मशालाओं में कर दी है, और भोजन उनका यहाँ होगा। ऐसी उदयपुर का एक भी स्थान नहीं है जो हमको उपलब्ध नहीं हो, बहुत लोगों ने सहयोग किया है। प्रशासन के निमित्त सबसे पहले हमारी कमेटी ने, जब आदरणीय गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारा साहब से निवेदन किया, तो वे स्वयं भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में करीब 100 से 150 की संख्या में पुलिस की संख्या यहाँ रहेगी, महिला भी रहेगी और पुलिस व्यवस्था भी यहाँ रहेगी, और हमारे निजी गार्ड भी रहेंगे जो पूरी व्यवस्था में रहेंगे। यानी पूरा ये जो क्षेत्र है अयोध्या नगरी, जो फतेह स्कूल है, वो अब से 2 दिसंबर से अयोध्या नगरी के नाम से जानी जाएगी, और हमारे निजी गार्ड भी हैं। यानी सुरक्षा की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से आप देख सकते हैं, एक नया आयाम उदयपुर को देखने को मिलेगा। उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों हो रही भजन संध्याओं में पेश किए जा रहे फूहड़पन के विरोध में सोमवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। बजरंग सेना मेवाड़ के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन का समर्थन करीब 40 हिंदू संगठनों ने भी किया। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस तरह की भजन संध्याओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करने की अपील की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मेवाड़ संभाग में अब इस तरह की भजन संध्या होती है, तो हिंदू संगठनों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही एक टीम बनाई है जो इस तरह की भजन संध्याओं को बलपूर्वक रोकने में भी सक्षम है। आपको बता दें कि भजन गायकों की ओर से भजनों के साथ साथ मंच पर नृत्य बालाओं को पेश करके फूहड़पन प्रस्तुत किया जाता है, ताकि वह ज्यादा लोकप्रिय हों और उनकी भजन संध्या में दर्शक ज्यादा आवे। भजन संध्याओं में जिस तरह से फूहड़पन पेश करने की कोशिश की जा रही है, वह गलत है। भजन संध्याओं में केवल भजनों की प्रस्तुति होनी चाहिए, न कि भजनों पर नृत्य बालाओं को नचाकर माहौल को खराब करने की। हमारा विषय था कि जिस तरह से भजन गायक कलाकार और विशेष करके राजस्थानी गायक कलाकार जिस तरह से आजकल जो फूहड़पन परोस रहे हैं, ऐसी ऐसी नृत्य बालाएं को बुलाते हैं जिनको देखने पे भी शर्म आ जाती है, और वो गाने पे तो कम और नृत्यों पे ऐसी नृत्य करती हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे माताएं बहनें भी उनको देखते हुए शर्म आ जाती है। इन सब चीज़ों को लेकर के और मेवाड़ के लगभग 40 संगठनों ने, बजरंग सेना मेवाड़ के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन दिया है संभागीय आयुक्त को,
और उससे मांग की गई है कि आप ऐसे कलाकारों पर रोक लगाएं, और नहीं तो हम लोग विशेष करके जो मेवाड़ के जितने भी आज हम लोग यहाँ के संगठन हैं, वो अगर यहाँ के कोई भी अगर मारवाड़ के हो चाहे जयपुर के हो, कोई भी कलाकार अगर यहाँ आएंगे और इस तरह से अगर फोड़पन हमारे सामने परोसेंगे तो हम ऐसे रोकेंगे उनको, और नहीं समझेंगे तो उनको ठोकेंगे भी सही। अगर नहीं मानते हैं तो हम उनको थर्ड डिग्री अभियान प्रशासन को यही कहा है कि आप भी उनको सारा समझाएं, और उन संभागीय आयुक्त महोदय ने जो कलेक्टर साहब विराजमान थे उन्होंने भी यही कहा कि हम उनको भी वापस समय लिखित में एक देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम आगे जो कदम उठाना उठाएंगे। जिले के खेरवाड़ा इलाके के अड़ावली गाँव में स्कूली छात्रों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सोमवार सुबह स्कूल में ताला लगा दिया। दरअसल ग्रामीण और विद्यार्थी दो दिन पूर्व हुई एक घटना से खासे आक्रोशित थे। आपको बता दें कि शनिवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने स्कूल परिसर में एक छात्र के साथ जमकर मारपीट की थी। उसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। विद्यार्थियों ने सोमवार को सुरक्षा के साथ मारपीट के आरोपी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अडावली में ताला भी लगा दिया गया। सूचना मिलने पर पहाड़ा थाना पुलिस में जाप्ता मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास शुरू कर दिए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी टू व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 242-6838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन बिलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने टू व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट बीएम कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकिस सूरजपुर उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध है। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0924-24-70625-9460-6845-9460-6841-209-8296-32125-80034-98443। Thank you.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव आगामी 17 दिसंबर को होने तय हैं। इसके लिए लेक सिटी बार एसोसिएशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव अधिकारी एडवोकेट राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि बुधवार 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे, जहां इन आवेदन पत्रों की जांच के बाद वैध सूची चस्पा कर दी जाएगी। नामांकन वापसी की तिथि 4 दिसंबर तय की गई है। वहीं मतदान 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच संपन्न होंगे। बाद में मतगणना शुरू होगी जो शाम तक चलेगी। चुनाव अधिकारी ने कहा कि 2017 में कुल 1828 मतदाता थे, लेकिन 2018 के चुनाव में 50 से 65 मतदाता कम हुए हैं। साथ ही वर्ष 2018 बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न करवाने के लिए 2 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें एडवोकेट सुरेश द्विवेदी और एडवोकेट राजेश कुमार उपाध्याय शामिल हैं। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के चुनाव पद के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, वित्त सचिव, पुस्तकालय सचिव सहित कुल 6 पदों के चुनाव होने हैं। ये बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 18/11/2017 को अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, वित्त सचिव और पुस्तकालय सचिव के लिए दिनांक 17/12/2017 रविवार को 10 बजे से 2 बजे के बीच मतदान होगा और उसके बाद में मतदान के उपरांत मतगणना प्रारंभ की जाकर परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिनांक 29/11/2017 से नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जो 2 दिसंबर 2017 तक शाम 3 बजे तक भरे जाएंगे और चारों ही दिन 10 से 3 बजे तक नामांकन पत्र जारी किए जाएंगे और नामांकन पत्र लिए जाएंगे। उसके बाद 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को नाम वापसी की तिथि नियत है और शाम को 3 बजे के बाद में जो भी नाम वापस लेंगे उसके बाद में अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। पिछली बार से करीब लगभग 50-55 वोटर इस बार कम हो रहे हैं और अभी एग्जैक्ट नंबर हम जांच कर रहे हैं और किसी का नाम नहीं रह जाए, इसलिए 29 तारीख को एग्जैक्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और अभी चुनाव के लिए मेरे साथ में सुरेश चंद्र द्विवेदी भी चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए। शहर के फतेहपुरा स्थित ज्योति स्कूल का सोमवार को 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की ओर से साल भर हुई विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरित किए गए। स्कूल के एमडी रजनीश कुमावत ने बताया कि यह स्कूल 27 नवंबर 1972 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, जो बच्चों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा मुहैया करवाता है। स्कूल के स्थापना दिवस पर कुल 400 बच्चों को पारितोषिक भेंट किए गए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के परिजनों सहित शहर के प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज ज्योति स्कूल के प्रांगण में 45 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 27 नवंबर 1972 को श्री जीएल कुमार सर ने इसकी शुरुआत की थी और आज हमारे पास में 3000 बच्चे से अधिक की मात्रा में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। आज सत्र भर में जितने भी बच्चों ने कई कॉम्पिटिशन्स जो हुए हैं उनके अंदर जो भी इनाम जीते हैं फर्स्ट प्राइज, उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन भी आज ही किया गया है। साथ ही जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर फर्स्ट आए हैं उनको भी फिर से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। बच्चों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी है, कई विभाग भी उपस्थित हैं और हमारी तरफ से सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिया और जिन टीचर्स ने उसमें पूरा सहयोग किया उनको भी मैं ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूँ। उदयपुर प्रवास पर आए गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान वे हिरण मंगरी सेक्टर 3 स्थित नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे और जैन संत विद्यासागर के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। महोत्सव के दौरान गृह सेवक कटारिया ने मंदिर प्रांगण में बने 31 फीट ऊंचे कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया। इस मौके पर यूआईटी चेयरमैन रविन्द्र शिमाली, नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवा पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़े रखने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजजन को संत के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। आदिनाथ कॉलोनी के लोगों ने जब से यहाँ आए इस मंदिर का निर्माण किया है और अपने आने वाली पीढ़ी को मंदिर से संस्कारों से जोड़ने का प्रयास, ये सौभाग्य रहा कि नाम सागर जी का और विराट सागर जी का चादुर्मास यहाँ मिल गया और हम सबके नहीं सारे हिंदुस्तान के विद्यासागर जी आचार्य जी के बारे में सब लोगों की बहुत श्रद्धा है। उनके इस संयम कीर्ति स्तंभ के माध्यम से एक तरह से रोजाना हमारा को स्मरण रहे कि व्यक्ति अपने जीवन को कहाँ से कहाँ तक उठा सकता है। उनकी ये जो त्याग और उनकी जिस प्रकार की जीवन पद्धति रही है उसने संपूर्ण जैन समाज को बहुत गौरवान्वित किया है।
और मैं सोचता हूं कि मेरा अनुभव तो यह है कि मैं बहुत भारी संकट में था जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, रोज बारिश हो रही थी, मेरा दिल डर रहा था क्या होगा, कार्यक्रम कैसा होगा। मुझे किसी भक्तजन ने बताया कि विद्यासागर जी महाराज से आशीर्वाद ले, शायद है कि आपकी समस्या टल जाए, और वास्तव में सही कह रहा हूँ। मैंने उनसे उनके अनुयायी से फोन मिलाया, उनमें कहा, मैंने कहा आचार्य जी से आशीर्वाद दिलाओ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो उन्होंने दूर से ही बोले थे क्यों, तो उन्होंने कहा हाँ आशीर्वाद दे मेरी तरफ से, तुम्हारा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और वास्तव में वो आए तब बारिश हुई और कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बारिश हुई। तो कोई न कोई एक तपस्वी और वाणी का जो बल है उनका, तो वास्तव में कमाल है जिसका मैंने अनुभव। संजय लीला भंसाली की फिल्म रानी पद्मावती पर सेंसर बोर्ड ने भले ही कुछ समय के लिए रोक लगा दी हो, लेकिन प्रदेश में अभी भी इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरीके से बवाल जारी है। 3 दिन पहले जयपुर के नाहरगढ़ की प्राचीर पर मिले शव के साथ पत्थरों पर पद्मावती फिल्म को लेकर अलग अलग बातें लिखी हुई सामने आई थी, और उसके बाद अभी भी वहां की खाकी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। कटारिया ने रविवार को उदयपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि रानी पद्मावती का जौहर अभी भी सभी के दिलों में अंकित है और उनका अपमान किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि अभी किसी ने कुछ देखा ही नहीं और अपमान किस जगह और किस बात से हुआ है, यह कोई देखकर फिर उसके बारे में कुछ बात करता तो ज्यादा अच्छा लगता, और सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को अभी पास नहीं की है, ऐसे में इस फिल्म के बारे में बोलने के लिए कोई अधिकृत नहीं है। वहीं शव मिलने की बात पर कटारिया ने कहा कि यह किसी कलाकार का काम है, लेकिन हमें अपने देश की एकता को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। पद्मिनी के बारे में केवल उनको ही नहीं, इस राजस्थान और मेवाड़ के जन जन को और दुनिया को जो उसके जो कुछ भी उसने जिस प्रकार का जोहर किया है वो सबके दिलों में अंकित है, उसका अपमान होना कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अभी तक इस बात पे पहुंच ही नहीं पाए कि अपमान किस जगह और कहाँ से हुआ, किस बात से हुआ। अगर अच्छा होता कि इसको कोई देख करके फिर इसके बारे में कुछ बात करता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और सेंसर बोर्ड ने अभी तक इसको क्लियर ही नहीं किया उसके बारे में। मैं सोचता हूँ अभी तक हम भी क्या चीज है और क्या चीज नहीं इसके अधिकृत रूप से नहीं कह सकते। सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी, अलग अलग पत्थर लिखे हैं वहाँ पे। देखो यार, अब अपने देश में सब प्रकार के कलाकार रहते हैं, अब उन कलाकारों को भी नमस्कार और उन कलाकारों के विचारों पर ध्यान न देते हुए देश को एक जोड़े रखना, उनको भी नमस्कार। उदयपुर नगर निगम की ओर से रविवार को वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित हुए इस सम्मान समारोह में करीब 61 वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीना, महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दरअसल इन वरिष्ठ जनों का उदयपुर शहर के विकास में खासा योगदान रहा है, इस योगदान को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से हर वर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ जनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इस मौके पर गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। कॉमर्स कॉलेज के बाहर छात्रों ने जमकर मचाया उत्पात, मुखिया ही बने गुंडे, खाकी ने डाला सीख छू के पीछे। वल्लभनगर कांग्रेस में मामा भांजे की तकरार फिर आई सामने, कुबेर सिंह बने स्वघोषित विधायक, गजेंद्र सिंह बोले सपने देखना बुरी बात नहीं। मांगीलाल जोशी ने उदयपुर से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, मावली से कुलदीप सिंह का कर सकते हैं समर्थन। और 6 दिवसीय पंचकल्याणक महोत्सव की तैयारियां पूरी, फतह स्कूल प्रांगण बनेगा अयोध्या नगरी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी, सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।